आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर। ये दोनों ही कॉम्बो जब आते हैं तो भाई थिएटर में धमाका होता है और हम जो है भाई बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और हम चाहते भी यही थे कि डायरेक्टर प्रियदर्शन सर जो है हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करे, इसीलिए हेरा फेरी 3 अभी तक अटकी हुई है कि जो है बढ़िया डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में बात करेंगे। पर जो अब न्यूज़ निकल कर आई है भाई, जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर जो है भाई मूवी करने वाले थे, जिसको लेकर स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लॉक हो चुका था, आपको पता है। टाइम्स नाउ की तरफ से एक आर्टिकल आया है जो शेयर कर देता हूं मैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर सबसे पहले आर्टिकल देखो, पॉज करके पढ़ लेना, इसमें सारी चीजें जो है शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि भाई जो फिल्म मेकर है उन्होंने ये चीज रिवील की है कि अभी वो जो है भाई बिजी है एक चीज को लेकर। वो बिजी इस चीज के लिए है जो अपकमिंग हॉरर थ्रिलर प्रोजेक्ट है, वो भी अक्षय कुमार के साथ। मतलब आने वाले सालों में हमें ये देखने को मिलेगा, रिलीज हो सकता है 2026 तक रिलीज होती हुई दिखाई दे हमें ये मूवी। और जो है भाई स्क्रिप्ट को जो है भाई कुछ चेंज करने के लिए रिविजन पर जो है दोबारा रखा गया है। ये प्रियदर्शन सर ने जो है भाई बेसिकली जो है अभी बातें हम सभी के साथ शेयर की है। जो आर्टिकल आया उसमें यही सारी चीजें बताई गई है कि भाई जो स्क्रिप्ट थी उसको लेकर दोबारा से रिवीजन के लिए रखा गया है। और जो है भाई उसमें जो है टीम अब थोड़ा बहुत जो है चेंज करेगी, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब है प्रियदर्शन सर, वो अब गिनी चुनी मूवी ही करेंगे। मतलब आने वाले सालों में मतलब 3 से 4 मूवी वो लास्ट करने वाले हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल डब्बा बंद कर देंगे। उसके बाद वो जो है मतलब मूवी नहीं करेंगे, ना ही डायरेक्ट, बिल्कुल दूर हो जाएंगे इन सब चीजों से। तो इसलिए वो चाहते हैं जो भी मैं करूं अब मूवी, जो भी स्क्रिप्ट करूं उसको अच्छे से जो है भाई चीजों को लिखूं और उसको अच्छे से डायरेक्ट करूं। मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि किसी चीज में कमी ना हो। मेन चीज तो ये है ना यार, मतलब हॉरर थ्रिलर है, पहले हम कॉमेडी समझ रहे थे इसको, ये कॉमेडी हो सकती है मतलब और कुछ हो सकता है, पर ये हॉरर थ्रिलर है। मेन बात ये है, प्रियदर्शन सर ने उसी में एक और चीज हम सभी के साथ शेयर की। प्रियदर्शन सेज ही स्क्रिप्ट राइटर हैव टेकन द स्क्रिप्ट बैक टू द स्टोरी बोर्ड फॉर सम चेंजेस। मतलब जो उनके स्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट राइटर है उन्होंने जो है ये जो स्क्रिप्ट है वापस इसलिए ली कुछ चेंज के लिए, मतलब कुछ चेंज करना चाहते हैं। और यही चीज जो है भाई प्रियदर्शन सर ने कहा कि मैं कंप्लीटली जो है हैप्पी नहीं हूँ स्क्रिप्ट से, मतलब जो वो मतलब पूरी तरीके से खुश नहीं है स्क्रिप्ट से, इसलिए वो है दोबारा से इसको चेंज करने के मूड में है। इट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, नो डाउट आई वुड डिस्क्राइब इट एज अ सुपर नेचुरल थ्रिलर वेयर द ऑडियंस वोंट नो टिल द एंड इफ There is a ghost in the plot or not। तो बेसिकली आप सभी जानते हो प्रियदर्शन सर की जो मूवीज रहती है ना, वो आखिरी में कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर देते, अधूरा छोड़ देते हैं। ये उनकी बहुत ही मतलब मुझे एक तरह से नेगेटिव लगता है, वो यार मतलब छोड़ देते हैं उस चीज को, फिर हम सस्पेंस में रह जाते हैं सारी जिंदगी कि इसके आगे क्या हुआ होगा। तो वही चीज है यार, वही चीज जो है यहाँ पे बता रहे हैं। उन्होंने चीजें बताई, आगे भी बताया कि भाई जो है ये बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया था जो स्क्रिप्ट थी पहले भी, पर हाँ मैं चाहता हूँ थोड़े से और चेंज हो इसमें। और उन्होंने कहा कि इट इज समथिंग आई हैव नेवर डन, उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और आगे जो है अक्षय कुमार सर ने भी ऐसा नहीं किया है, तो इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ रहा है और जो है इसको रिफॉर्म बेसिकली जो है करना पड़ रहा है स्क्रिप्ट। आगे भी उन्होंने बताया कि भाई जो हेरा फेरी 3 को लेकर भी बेसिकली बता ही देता हूं मैं उन्होंने क्या क्या चीजें कही। कि उन्होंने कहा कि जो चीज मैं पहले कर चुका हूं मैं वो दोबारा नहीं करना चाहता, मुझे हेरा फेरी 2 भी मतलब जो है, फिर हेरा फेरी भी मुझे ऑफर हुई थी पर मैंने जो है उसको मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम डन विद दैट स्पेस। तो उन्होंने कहा कि मतलब कॉमेडी के उससे जो है मैं बिल्कुल जो है चीज़ें खत्म कर चुका हूँ। अक्षय एंड आई हैव बोथ डन मैनी कॉमेडी टुगेदर एंड इंडिविजुअली, मतलब हम दोनों ने ही अक्षय और मैंने जो है मतलब बेसिकली प्रियदर्शन दोनों ने ही जो है भाई कॉमेडीज भरमार कर चुके हैं। और अब इस समय मैं चाहता हूँ अब जो अब की बार हम आए कुछ नया लेकर आए, कुछ नया अटैम्प्ट करे। और दिस इज वाई द स्क्रिप्ट इज बीन मॉडिफाई, इसी कारण से जो है भाई जो ये स्क्रिप्ट है वो मॉडिफाई की जाएगी और सारे चेंजेस किए जाएंगे। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। बेसिकली पूरी वीडियो एक्सप्लेन करने में इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि यार चीज़ें जो है आप सभी को सारी एक्सप्लेन करनी जरूरी है। सुपर नेचुरल रहने वाला है, हॉरर है, तो भाई कुछ धमाकेदार कुछ नया ट्राई करने वाले हैं हमारे प्रियदर्शन सर। तो भाई प्रियदर्शन सर अगर कुछ नया कर रहे हैं तो धमाकेदार ही होने वाला है। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो बाकी अपडेट्स आती रहेगी वो भी शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।